उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2003 जो हुआ था उसका हिंदी भाषा का जो पूरा पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से। भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो ऑप्शन बी व्याकरण से। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो ऑप्शन बी व्यंजन। अगला है का खा गा फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन डी खा। जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अकारांत। अब है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए, निर्देश देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक बर्तनी दी गई हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें 9वां है तो इसमें 9वें में कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद को आप ऐसे लिखते हैं ना कि ए बी और डी की तरह। अगला 10वां, इसमें आपको सही बर्तनी बतानी है तो ऑप्शन बी पूंजीवाद। पूंजीवाद को ऐसे लिखा जाता है ना कि ए सी और डी की तरह। अगला है 11वां, इसमें बताना कि कौन सा सही है तो ऑप्शन सी अंतर्निहित। अंतर्निहित को ऐसे लिखते हैं ना कि ए बी और डी की तरह। अगला है परीक्षा। परीक्षा इसमें से कौन सा सही होगा तो ऑप्शन डी परीक्षा को ऐसे लिखा जाता ना कि ए बी और सी की तरह। 13वां है, इसमें से बताना है तो 13वें में देखिए षड्यंत्र। षड्यंत्र को ऐसे लिखते हैं ना कि बी सी और डी की तरह। ओके, अब देखिए निर्देश है 14 से 17 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से में से कीजिए। तो अगला तो क्वेश्चन है कविस्वर। कविस्वर में कौन सी संधि है? तो ये है आपकी दीर्घ संधि। संसार। संसार में कौन सा होगा तो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला है तन्मय। तन्मय में आपकी संधि बतानी है तो तन्मय में आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि होगी होनी चाहिए तो इत्यादि में आपका देखिए थोड़ा आधा ता है तो यहाँ पर आपका हो गया, या कह सकते हैं या है आपका तो आपका यण संधि होगा इसमें। अगला है 18 से 24 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा तो ऑप्शन बी पुनर्धन जन्म। पितृऋण। पितृऋण का क्या होगा संधि विच्छेद तो ऑप्शन सी पितृ प्लस ऋण। इत्यादि का क्या होगा तो इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए इति धन आदि। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा तो ऑप्शन ए युधि धन स्थिर। जगदीश का कौन सा होगा तो ऑप्शन ए जगत धन ईस। कनकटा का क्या होगा? कनकटा का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी कान धन कटा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा तो ऑप्शन सी राम धन आयन। प्रश्न संख्या देखिए, निर्देश दिया गया 25 से 28 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो दशानन। दशानन में कौन सा समास होगा आपका तो ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास।
और रोग पीड़ित में कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होगा रोग पीड़ित में। प्रतिमान का क्या होगा? तो प्रतिमान का हो जाएगा ऑप्शन बी अव्यय भाव समास। वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास। अगला है निर्देश 29 से 33 के लिए। प्रश्न संख्या, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तो इसमें से 29 में जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही बताना है, तो 29 में कौन सा होगा? तो 29 में तत्सम हो जाएगा चंद्रमा। अगला है, इसमें से तत्सम शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विवाह। 31 में बताना है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ओज। इसमें बताना है 32 में तत्सम शब्द, तो इसमें हो जाएगा निर्मम। 33 में बताना है, तो 33 में आपका हो जाएगा सुमन, तत्सम शब्द। अब देखिए 34 से 38 के लिए निर्देश क्या है। नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताना है 34 में, आपका तद्भव कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कान। और 35 में बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पीड़ा। 36 में तद्भव कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अंधेरा। 37 में बताना है, तो 37 में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेत। और 38 में बताना है तद्भव कौन सा है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी तमंचा। अगला है परंपरा में, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए योग ऋण कहलाते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। आपको बताना है 40 में असंगत शब्द जो मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन डी आधी। 41 में कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका घर, क्योंकि घर जो ऐसा शब्द है जो अन्य तीनों से मेल नहीं खाता। अब 42 में देखिए, 42 में सी हो जाएगा मस्तक। और 43 में कौन सा होगा? ऑप्शन सी नेत्र। 44 में बताइए बेमेल, तो ये हो जाएगा आपका खेद। अगला है निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये हो जाएगा घाव। और 46 का देखिए गाइस, 46 मतलब कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी धनादिप। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात्रि का हो जाएगा विभावरी। भागीरथी का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन बी गंगा। विद्युत का क्या होगा? ऑप्शन बी दामिनी। अब प्रश्न संख्या 50 से 56 करना है और बताना, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से विलोम छांटिए। तो सामंजस्य का विलोम क्या होगा? विवाद। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका निस्तेज। पराक्रम का अगर विलोम पूछा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? वीरुता। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो विषाद होता है। क्रोध का क्या होता है? तो क्रोध का होता है कृपा। उत्तेजित का क्या होगा विलोम शब्द? तो ऑप्शन बी शांत। रंग का क्या होगा? तो धनबान। अब है निर्देश प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। तो देखिए क्या है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो वो क्या कहलाता है? दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो तो वो क्या कहलाएगा? दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना।
तो प्रायश्चित, जिसका इलाज ना हो सके तो क्या होगा, असाध्य। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो क्या कहलाता है, अपव्ययी। अगला है, जो काम ना करना चाहे वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी अकर्मण्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके वो क्या कहलाएगा, ऑप्शन डी अगोचर। अब है प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निर्देश। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो वो क्या होगा वाक्य, कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है ये। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी, तो ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है, सत्संग करो सदाचारी बनो, तो ये वाक्य हो जाएगा विधिवाचक। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, तो ऑप्शन डी ये हो जाएगा संयुक्त वाच्य। अब है प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए निर्देश। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4-4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 70 है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन बी वह दंड के योग्य है, ये वाला आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 71 में बताना है कौन सा शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में अनेक जातियां हैं। 72 में बताना है कौन सा शुद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 73 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन बी उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी पाठ पढ़कर कल आए। अब निर्देश 75 से 85 के लिए हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या है, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए देने से इनकार करना, अंधे के हाथ बटेर लगना इसका अर्थ क्या होगा, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, आंख लगना इसका अर्थ क्या होगा, नींद आना। अगला है औंधी खोपड़ी, इसका क्या होगा, मूर्ख होना। कान का कच्चा क्या क्या होगा, तो ऑप्शन डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना इसका क्या होगा, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार इसका मतलब क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के बही 3 पात होना इसका मतलब क्या होगा, सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, तो ऑप्शन ए धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी काम के लिए समय चाहिए, वह चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, तो ऑप्शन ए बिना मेहनत फल पाना। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है, तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस को। प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए है, प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही संछंद का चयन करना है, तो गाइस इसके आंसर आपको बताना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें बताना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ और आपको बताना है कि कैसे आया, तो इसमें देखिए छंद हो जाएगा ऑप्शन बी रोला, और 88 में जो छंद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा। अब देखिए 89 से 91 के लिए है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है, तो क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो रूपक। अगला है, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाही,
तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षालंकार। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, तो इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यमक अलंकार। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम चयन कीजिए विकल्प के द्वारा, जैसे कि गबन है, गबन के रचनाकार कौन है, सभी को पता होगा मुंशी प्रेमचंद्र। कुरुक्षेत्र के बताना है तो कुरुक्षेत्र के हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के कौन होंगे तो भगवती चरण वर्मा। यामा जो है वो किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, तो ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है, तो ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, तिन तैसी, इसमें ये किसका है, तो ऑप्शन सी तुलसीदास। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है, तो मैथिली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।